नाजिया खड़ी हो जाओ तुम। कहाँ है तुम्हारी यूनिफॉर्म का दुपट्टा? मैं तुम दोनों बहनों से बहुत तंग आ गई हूँ। रोज यूनिफॉर्म में किसी का दुपट्टा नहीं होता तो यूनिफॉर्म में किसी की कमीज नहीं होती। मैं भी वो तुम्हारी बड़ी बहन को भी क्लास से बाहर निकाल कर आई हूँ। निकलो तुम भी मेरी क्लास से बाहर, आउट। जब तक तुम लोग प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं आओगे मैं तुम्हें अपनी क्लास में बैठने नहीं दूंगी। निकलो मेरी क्लास से बाहर। क्या बात है बेटा, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? मैडम हमें सजा मिली, हम इस रहमान की क्लास में नहीं बैठ सकते। क्यों, आखिर क्या वजह है? हमारी यूनिफॉर्म। अच्छा ऐसा कीजिए, आप जाके मेरे ऑफिस में बैठिए, मैं गाउन लेकर अभी आती हूँ, ठीक है? मैडम वो मेरी छोटी बहन है, उसे भी। आप भी मेरे कमरे में जाइए, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? मिसेस रहमान क्लास लेने के बाद आप जरा मुझसे ऑफिस में मिलिए। जी मैम। पानी पी लीजिए आप। शाबाश। तो आप दोनों बहनें? जी मैडम, मैं मैट्रिक में हूँ और ये नाइन्थ में। तो आप मुकम्मल यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनती? देखिए ना, स्कूल का कोई डिसिप्लिन तो होता है ना, उसका ख्याल तो रखना ही पड़ता। मैडम मेरे यूनिफॉर्म की कमीज की हालत ऐसी हो चुकी है कि अब वो सिल भी नहीं सकता, और यही हाल इसके दुपट्टे का भी है। और मैडम हमारे घर के हालात अभी ऐसे नहीं है कि हम अगले 2 माह तक कोई नया यूनिफॉर्म बना सके, और मिस है कि हर रोज पूरी क्लास के सामने हम इंसल्ट करती हैं। ओह तो ये बात है। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 6 बहनें और एक भाई हैं। आपके वालिद क्या करते हैं? एक फैक्ट्री में स्टोर कीपर है। आपके वालिद की तनख्वाह क्या होगी? आपकी वालिदा कुछ पढ़ी लिखी हैं? मैडम ओवर टाइम वगैरह मिलाकर 3-3.5 या फिर 3,500 रुपए मिलते हैं। अम्मी पढ़ी लिखी तो नहीं है लेकिन गारमेंट फैक्ट्री से कभी कभार कुछ चादरें और आटे की थैलियाँ सिलाई के लिए आ जाती हैं, तो उनकी सिलाई से महीने में 300-400 रुपए ज़्यादा मिल जाते हैं, मगर पिछले चंद माह से तो ये काम भी नहीं आ रहा। तो आप सबसे बड़ी हैं घर में? जी मैडम। नाम क्या है आपका? फौजिया। देखिए फौजिया, आप सबसे बड़ी हैं, अगले साल आप कॉलेज में होंगी, मुझे काफ़ी समझदार भी लगती हैं, इसलिए मैं आपसे साफ साफ बात करना चाहती हूँ। आप अपनी वालदा को ये समझाने की कोशिश क्यों नहीं करती कि खानदान को छोटा रख के बहुत सी मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है? भाई आजकल तो हर तरफ यही चर्चा है, रेडियो पर, अखबारों में, टेलीविजन पर, टीवी तो देखती होंगी आप, टीवी है आपके घर? जी मैडम, टीवी हमने पिछले साल किस्तों पर लिया था और अब तक उसकी किस्तें अदा कर रहे हैं। मैडम ऐसा है कि मैं ऐसी बात तो अम्मी से नहीं कर सकती, वो खुद भी तो टीवी देखती हैं, और फिर शायद उनकी ख्वाहिश भी थी कि हमारा ख़ानदान छोटा रहे, मगर पहले तो लड़के की वजह से ऐसा होता रहा क्योंकि दादी अप्पा से कहती थी कि लड़का ज़रूर होना चाहिए वरना फिर नस्ल कैसे चलेगी। तो क्या दादी भी आपके साथ रहती हैं? जी दादी भी और एक बेवा फूफा और उनके 2 बच्चे भी। फूफा का चूँकि इंतकाल हो गया इसलिए अब वो अप्पा के साथ ही रहती हैं। क्या इसका मतलब है कि 13 अफराद की किफालत आपके वालिद के ज़िम्मे है? नहीं मैडम, मेरी फूफी की लड़की और लड़का बड़े हैं, लड़की स्कूल में पढ़ाती हैं और अपने भाई और अम्मी का खर्चा वो खुद उठाती हैं।
हाँ वो जरा अकाउंटेंट साहब को भेजिए। हाँ थैंक यू। जी मैडम आपने याद करवाया? जी वो अकाउंटेंट साहब स्टूडेंट्स वेलफेयर फंड में कुछ पैसे होंगे? नहीं नहीं उसमें तो कोई पैसा नहीं है। क्या मतलब पैसे नहीं है? लेजर लेकर आइए। वो लेजर क्लर्क तो आज आया नहीं है और चाबी मेरे पास है ही नहीं। अच्छा अगर लेजर क्लर्क नहीं आया है, लेजर क्लर्क छुट्टी पर है तो ऑफिस का तमाम काम बंद रहेगा? वो पीटीएफ का जो अकाउंट है उसमें से लेकर आ दूंगा। आप कहीं से भी लेकर आइए, मुझे इस वक्त 500 रुपए चाहिए और कल आकर आप मुझसे ऑफिस में मिलिए और वो जो क्लर्क साहब है उनको भी अपने साथ लेकर आइए। नॉनसेंस, कोई चीज मांगती हूँ कुछ मिलता ही नहीं है। जाइए। पैसे और रसीद। अच्छा ठीक है थैंक यू। फौजिया ये 500 रुपए आप रख लीजिए। रख लीजिए बेटा और जाते वक्त रसीद पे दस्तखत कर दीजिएगा। इससे आप अपनी बहन के लिए नया यूनिफॉर्म बनवा दीजिए। मेरे ख्याल से एक साल के लिए वो काफी होगा। आप तो अगले साल इंशाल्लाह कॉलेज चली जाएंगी। मगर मैडम ये तो खैरात है, हमारी अम्मी नाराज होंगी। ये ना खैरात है और ना ये भीख है, ना ये मेरे किसी जाती अकाउंट से आपके पास जाएगा। ये तो स्टूडेंट्स वेलफेयर फंड है जो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं और किसी वजह से अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि ना तो स्टूडेंट्स ही को पता है और ना ही उनके वालिदैन को मालूम है कि इस किस्म का कोई फंड स्कूल्स में होता भी है। हालांकि ये फंड हर साल बजट के साथ हर स्कूल को दिया जाता है। मैडम मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। काश आप जैसे असातिज़ा हर स्कूल को मुहैया हो जाए और हम जैसे सफ़ेद पोश तालिबे इल्मों का भरम रह जाए और हम अपने साथियों के सामने उनकी नज़रों में गिरने से बच जाए। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो आपका हक था जो मैंने आपको दिया। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। लेकिन घर जाके आप इस बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा कि हम में और जानवरों में क्या फ़र्क है। बैठ जाइए मिसेस रहमान। जी देखिए मिसेस रहमान, मैं आपसे इस वक्त बतौर हेडमिस्ट्रेस के मुखातिब नहीं हूँ बल्कि एक साथी टीचर की हैसियत से आपसे बात कर रही हूँ। जी मैडम क्या कोई गलती हो गई है मुझसे? नहीं मैं इसे गलती नहीं कह सकती, आपका ये अमल तो जुर्म के मुतरादिफ है और आपने ये जुर्म दानिस्ता नहीं आदतन किया। मिसेस रहमान जिस गलत निज़ाम का हम हिस्सा बनते जा रहे हैं उसकी खूबी ही यही है कि जुर्म करने वाले को अपने जुर्म का एहसास तक नहीं होता। समझ रही हैं आप मेरी बात? देखिए हमारा प्रोफेशन इस वक्त सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी का मुतकाजी है, हमें इस माशरे को बदलने में सबसे अहम रोल अदा करना है, हमें इस सोसाइटी को बदलना है, हमें इस निज़ाम को बदलना है। बहरहाल आप ये बताइए कि ये जो बच्चियाँ थी ना जिनको आपने क्लास से बाहर निकाला था क्या जुर्म था इनका और इनका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है? वो मैडम जो छोटी वाली है नवी क्लास में वो तो बस एवरेज है,
और बोर्ड का रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि वो एवरेज भी है या नहीं। अलबत्ता वो बड़ी बहन फौजिया जो मैट्रिक की तालिबा है वो काफ़ी मेहनती और फर्स्ट क्लास मार्क्स लेने वाली स्टूडेंट है और बोर्ड के रिजल्ट में भी उसने फर्स्ट क्लास मार्क्स लिए। बहुत खूब। क्या आप समझती हैं कि इतनी बेहतरीन स्टूडेंट के साथ जो सलूक आपने किया है वो उसकी मुस्तहिक थी? जी वो मैडम बात यह है कि मैंने तो उनको पहली बार ये सज़ा दी है, जबकि दूसरी टीचर्स और आपसे पहले जो मैडम थी वो उनको कई बार ये सज़ा दे चुकी हैं। और कई दफ़ा तो ऐसा भी हुआ है कि इंस्पेक्टर्स ऑफ स्कूल्स आती हैं और हमारे ख़िलाफ़ ये रिमार्क्स देकर चली जाती हैं कि इनके स्कूल में यूनिफॉर्म की पाबंदी नहीं कराई जाती। बस 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 कीजिए मिसेज रहमान, प्लीज़। अच्छा अब आप ये काम कीजिए मेरा, तमाम टीचर्स से आप ये कह दीजिए कि कल स्टाफ रूम में मीटिंग है। मैं जब से आई हूँ आप लोगों से ठीक से मेरी मुलाकात भी नहीं हुई है, मैं सबसे मिलना चाहती हूँ। इज दैट ऑल राइट? यस, थैंक यू। ये तो जानवर है, तुम तो इंसान हो, तुम्हें इतना अकल नहीं है? भाई ये सड़क किसी के बाप की नहीं है, इधर गाड़ी भी चलनी है, मोटर भी चलनी है, गाय भी चलनी है। भाई आज का आदमी अकल रखते हुए भी बेअकल है। आप मेरी एक बात याद रखिए और घर जाकर इस पे गौर भी जरूर कीजिएगा कि हम में और जानवरों में क्या फर्क है, कि हम में और जानवरों में क्या फर्क है। गई तुम लोग? चलो बस कपड़े बदलो, खाना भी तैयार। फौजिया खाना नहीं खाना? अम्मे भूख नहीं लग रही मुझे। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी बिटिया? हाँ अम्मी मैं ठीक हूँ। अच्छा चलो तुम कुछ देर आराम करो। आप मेरी एक बात याद रखिए और घर जाकर इस पे गौर भी जरूर कीजिएगा कि हम में और जानवरों में क्या फर्क है। है मेरा सूट तो क्या हुआ, तुम इतनी दफा इसको पहन चुकी हो, अब मैं ये अपनी दोस्त की सालगिरह में पहनकर जाऊंगी। तुमको ये कपड़े पहनने का सब पहचान देंगे, मेरा सूट है, सबके सामने मैं पहन चुकी हूँ। तो क्या हुआ, मैं कह दूंगी कि बाबा हम दोनों के लिए एक जैसा लाए थे। कोई यकीन नहीं करेगा, सबको पता ही मेरा सूट है। अम्मी, अम्मी, अम्मी। ओहो अरे कमबख्तों, क्या कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो? अम्मी फुफा महीने में से दो ही चिप्स के पैकेट ला दिए, अपना भी खा लिया, मेरा भी छीन के भाग रहा है। तो तुम दोनों मर क्यों नहीं जाते? मैं अम्मा से कैसे बात करूं, उन्हें कैसे समझाऊं कि जब तक उनके यहाँ आठवीं औलाद होगी तब तक ये चिप्स का पैकेट जो सात बहन भाइयों में सिर्फ दो के लिए एक महीने में आता है वो शायद छह महीने में एक दफा आया करेगा। तुम्हारा भाई है कौन सा? दस भाई है, एक ही तो भाई है, खाने दो खाने दो। अरे लड़कियां तो अपने भाइयों को जान छिड़कती हैं। खाओ बेटा खाओ खाओ। जायज करो,
ये क्या किया तुमने? अरे तुम्हारे एक ही तो भाई है, कौन से दस भाई हैं? अम्मा हम सब के हुकूक बराबर हैं। क्या तुमने लड़के लड़की की रट लगा रखी है? अरे कमबख्त कितनी लंबी जबान होगी तुम्हारी। अरे तुम लोगों को तो बिहारा मुश्किल नजर आ रहा है मुझे। अरे कहाँ से आएंगे छह लड़के? शाजिया बेटे। जी अम्मा। बेटे फौजिया, अरे बेटा तुम सो रही हो क्या अभी तक? अरे असर का अजान का टाइम हो गया, उठ जाओ, उठ के वुजू करो, नमाज पढ़ो। बेटा नमाज में दुआ करना, अब के अल्लाह तुम्हें एक भाई और दे दे। मासूम बच्चियों के अल्लाह दुआ जल्दी कबूल करता है। अम्मा अगर अल्लाह हमारी सुन लेता ना तो आज हम सात के बजाय सिर्फ तीन होते, और अगर टीवी वालों फैमिली प्लानिंग वालों की सुन लेता तो सिर्फ दो ही होते। ये कमबख्त टीवी वाले तो हर वक्त कुफर बकते रहते हैं। कम बच्चे, बच्चे दो ही अच्छे, आए कभी दो बच्चे कभी तीन बच्चे। अल्लाह की कुदरत में दखल देते हुए कमबख्तों का दिल नहीं लरसता। बस ये सब कयामत के आसार हैं। अरे हमारे जमाने में 11-12 बच्चे होते थे, ना कोई रोकता था ना कोई टोकता था, ना ही सरकार कुछ कहती थी, सबको अल्लाह का खौफ था। अब तो कमबख्तों के दिलों में से अल्लाह का खौफ ही निकल गया है। और अम्मा औरतें इतने बच्चों के बाद मर भी तो जाती थी, और मर्द चार चार शादियां करते थे, और अम्मा दादा बने भी तो दो शादियां की थी ना। चल हट कमबख्त, बक बक करती रहती है सारा दिन। बिल्कुल सही, अच्छी बात है। मे आई कम इन सर? यस कम इन। अच्छी बात है, मैं फिर बात करूंगा। ओके थैंक यू। सर आपने स्टोर कीपर की इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था, रिपोर्ट तैयार हो गई है सर। आई अंडरस्टैंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ही मस्ट बी पनिश्ड एंड बेटर टू टर्मिनेट हिम सर। प्लीज मिस्टर खान, मैंने आपसे मशवरा नहीं मांगा था, मैंने आपको इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए कहा था, वो आपने कर ली। ओके थैंक यू, यू कैन गो। मैं अंदर आ सकता हूँ सर? जी जी आइए, अच्छी रखिए। थैंक यू। स्टोर कीपर जी जी, देखिए कुछ देर के लिए किसी को अंदर मत आने दीजिए, और कॉल भी नहीं मिलाएगी ना, चाय और पानी भिजवा दें। थैंक यू जी। मिस्टर साले। जी सर। आप चला लीजिए। देखिए साले साहब। जी सर। मेरी इन बातों का बुरा मत मनाइएगा, मेरा हरगिज ये इरादा नहीं कि आप को कोई तकलीफ पहुंचे मेरी बातों से। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आप आजकल अपसेट क्यों रहते हैं? आपका ये अपसेट होना दफ्तर के काम पर असरअंदाज होता है। जी आपके बच्चे कितने? सर वो सात बच्चे। सात बच्चे? जी सर। और आपकी तनख्वाह कितनी है? सर ओवर टाइम वगैरह मिलाकर तकरीबन 3,500। अच्छा ये बताइए कि आपके कितने बच्चे पढ़ते हैं? सर मेरे 4 बच्चे स्कूल जाते हैं, 6 बेटियां हैं, 1 बेटा है। सबसे बड़ी बच्ची मैट्रिक में, दूसरी बच्ची 9th क्लास में,
तीसरी और चौथी सातवीं और पांचवीं पढ़ती हैं। और सर आपको पता है कि आजकल तालीम कितनी महंगी है। मेरे भी तीन बच्चे हैं, माशाल्लाह तीनों बच्चियां हैं, और मैंने कभी लड़के की कमी महसूस नहीं की। मैं अपनी बच्चियों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैंने उनको अच्छी तालीम दिलवाई है, माशाल्लाह कॉलेज में पढ़ती हैं। और हम दोनों मियाँ बीवी को इस बात का कभी एहसास नहीं हुआ कि हमारे यहाँ लड़का क्यों नहीं। जी सर, मेरे वालदिन की भी यही तमन्ना थी कि मेरे यहाँ लड़का हो, लेकिन अल्लाह की कुदरत के आगे बंदा क्या कर सकता है। बच्चियाँ हैं माशाल्लाह लड़कों के बराबर हैं, और फिर मैंने कभी इस बात को महसूस ही नहीं किया, ना कभी इस बात को अहमियत दी। बच्चियों को बिल्कुल मैंने यूं ही समझा जैसे मेरे लिए लड़के। जी सर, देखिए मैं इस महीने से आपकी तनख्वाह में अच्छा खासा इजाफा कर रहा हूँ। आपको एक वादा करना पड़ेगा, आप अपने बच्चों की तालीम जारी रखेंगे, और आपके किसी एक बच्ची की पूरी तालीम की जिम्मेदारी मुझ पे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अम्मा जल्दी इधर आओ, अम्मा जल्दी इधर आओ, अम्मी जल्दी इधर आए, अम्मा जल्दी इधर आए। अहे क्या भौंचाल आ गया, क्या दिखा रही हो तुम? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ शाजिया? अरे आखिर तुमने क्या देख लिया है? अम्मी यकीन करें मुझे तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे इन कुत्ते बिल्लियों और हम में कोई फर्क नहीं। और अम्मा ये जो बुखार कुत्ता नजर आ रहा है ना, वो देखे ये 3 मिनट में इसके 3 बच्चे खा गया। और बिल्कुल इसी तरह ये महंगाई का कुत्ता बहुत जल्द हम सबको निकल लेगा। क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? और फिर तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं है, इतनी चुप चुप क्यों बैठी हो? अम्मी आज होमवर्क बहुत ज्यादा मिला है, और फिर कल टेस्ट भी है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप जाए प्लीज, आराम करें। क्यों झूठ बोल रही हो, बताओ ना असली बात, आज क्या हुआ था हमारे साथ स्कूल में? बताओ, तुम चुप नहीं रह सकती शाजिया? क्यों चुप रहूं, तुम्हें शर्म आती है बताते हुए? मैं बताऊं, ये देखो, ये देखें, ये आज भीख में मिले हैं हमें यूनिफॉर्म के कपड़े के लिए। कल कोई रोटी के टुकड़े भी हमारे घर में डाल सकता है। ये सब क्या है बेटा? शाजिया तुम जाओ बहन के लिए चाय बना कर लो। अम्मी हमारे स्कूल में एक नई हेडमिस्ट्रेस आई, वो बहुत अच्छी है। ये पैसे उन्होंने भीख नहीं दिए, बल्कि तो ये तो वेलफेयर स्टूडेंट्स फंड में से उन्होंने हमें पैसे दिए ताकि हम यूनिफॉर्म बना सकें। अम्मी वो आपसे मिलना चाहती है, उन्होंने अब्बा और आपको कल पेरेंट्स डे पर बुलाया है, आप जाएंगी ना? मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारे अब्बा को लेकर वहां पहुंचूं। सलाम बेटे। क्या बात है? फाजिया अपने अब्बा के लिए एक कप गर्म गर्म चाय लेकर, अगर सर में दर्द हो तो दबा दूं? नहीं नहीं नहीं, बस चाय पीकर थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। चलिए जैसे आप। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक हूँ बेटे। मैं आपका सर दबा दूँ? अरे बच्चे मैं थोड़ी देर आराम करूंगा, बस ठीक हो जाऊंगा। अच्छा मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ चौक चौक।
पाकिस्तान की आबादी की खसूसियात, आप पढ़िए। तेज अफजाइशी आबादी की वजह से पाकिस्तान में कम उम्र बच्चों के तनासुब में तेजी से इजाफा होता है। हर साल मुल्क में तकरीबन 20 लाख बच्चों का इजाफा होता है। इसकी बड़ी वजूहत कम उम्र में शादी का रिवाज, बिलखसूस देहात में ज्यादा औलाद की ख्वाहिश और तफरी के मौके में कमी है। आबादी में बच्चों की तादाद बढ़ने से उनकी परवरिश और तालीम तरबियत के मसाइल पैदा हो जाते हैं और कमाने वालों का तनासुब खासा कम रहता है और यूं मयार जिंदगी बेहतर होने के बजाय खराब होता जाता है, जबकि ज्यादा बच्चों की पैदाइश के बायस औरतों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। सन 1981 के आदाद और शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में खवातीन की तादाद मर्दों की आबादी के मुकाबले में 48% है। पाकिस्तान में तालीम याफ्ता अफराद का तनासुब हौसला अफजा नहीं है। सन 1951 में खानदगी का तनासुब तकरीबन 10% था, जो बढ़कर सन 1981 में 26% हो गया है। मर्दों में खानदगी का तनासुब 35% से कुछ ज्यादा और खवातीन में ये शरह 16% से कुछ ज्यादा बनती है। अब आप पढ़िए शाजिया। शाजिया मैं आपसे कह रही हूँ, कहाँ खोई हुई हैं आप, पढ़िए। आबादी में बच्चों की तादाद बढ़ने से उनकी परवरिश और तालीम व तरबियत के मसाइल पैदा हो जाते हैं और कमाने वालों का तनासुब खासा कम रहता है और यूँ मयार ज़िंदगी बेहतर होने के बजाय ख़राब हो जाता है, जबकि ज़्यादा बच्चों की पैदाइश के बायस औरतों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। मिस मैं नहीं पढ़ सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मिस मैं नहीं पढ़ सकती। आप सब लोग जानते हैं कि मेरी आज की इस मीटिंग का मकसद सिर्फ आप लोगों से मुलाकात ही नहीं था, बल्कि मैं चाहती थी कि कुछ आप लोगों के ख्यालात सुनूं, कुछ अपनी तजावीज़ पेश करूं और उन पर कुछ छोटा सा डिस्कशन हो जाए। देखिए, मैं चाहती हूं कि हम सब मिलकर इस स्कूल के तालीमी रिकॉर्ड को और इसके डिसिप्लिन को एक मिसाल बनाकर पेश करें। लोगों के सामने इसकी एक मिसाल होनी चाहिए। सज़ा का मकसद किसी की तज़हीक और तौहीन नहीं होता। जिस उम्र की लड़कियों से हम लोग आजकल डील करते हैं, यानी 9th और 10th क्लास की लड़कियों से जिनको आप पढ़ाती हैं, ये उम्र बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत हसास होती हैं ये बच्चियाँ। इनको अगर आप टैक्टफुली डील नहीं करेंगी तो मुमकिन है कि आप इनकी ज़िंदगी को ही ख़राब कर दें, इनका करियर ही ख़राब हो जाए। आपको मालूम है कि बच्चों के साथ किस तरह डील करना चाहिए, ख़ास तौर से इस उम्र की बच्चियों को, जो कि बहुत ही सेंसिटिव उम्र होती है। और मुझे इस बात पे बहुत ही ताज्जुब है कि सिर्फ अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट को सही रखने के लिए आप इंस्पेक्शन टीम को सही हालात से आगाह ना करें। फिर तो मेरे ख्याल से ये सारा सिलसिला एडहॉकिज्म पे ही चलता रहेगा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी आप कोई मसला हल करने की कोशिश करें तो आप ये चीज़ अपने जहन में ज़रूर रखें कि ये लड़कियाँ किस माहौल से आती हैं, इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, किन किन मुश्किलात का इन लोगों को सामना करना पड़ता है। बहुत टैक्टफुली डील करने की कोशिश किया कीजिए, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। इन बच्चियों के हालात को समझते हुए इन लोगों से डील कीजिए, जो भी सज़ा दें कम अज़ कम उनकी तज़हीक नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के नाम पर देते ना कुछ। अरे बीबी, अरे अरे अल्लाह के वास्ते कुछ दे देना बीबी। बीबी देख देख देख, दे दे थोड़ा सा, दे दे अल्लाह के नाम पे, दे दे तेरे बच्चों का सदका, दे दे बीबी साहब, दे देना। मेरा छोटे छोटे बहन भाई है,
इतने दिनों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, रोटी नहीं मिलती सारा सारा दिन उनको। रोटी नहीं मिलती, जेवर सारे मिलते हैं, शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? काम क्यों नहीं करते? चलो हटो, जान छोड़ो। अरे साहब, नहीं देना तो ना सही, पर बात सही कर लिया कर। बेटा, behave yourself. This is not fair. You know, these are poor people. भाई आप स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाती हैं? आपके अपने बच्चे बदतमीज होते जा रहे हैं और आप खामोश बैठी देख रही हैं? Dad, these people are very rich and professionals, and we should not encourage them. You should not behave like this. इनको आराम से समझाया भी जा सकता है। Dad, you're very soft and sweet person, but you don't know these people. ये इसी तरह सही रहते हैं। देखिए, मैं जानती हूँ कि आज के इस दौर में इंसान अपने माशी मसाइल में उलझकर अपने बहुत से फराइज को भूल जाता है। मुझे बहुत अच्छी तरह इस बात का अंदाज़ है, लेकिन मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जिस तरह हमारा फ़र्ज़ है कि आपके बच्चों की तालीम की तरफ अपनी पूरी तवज्जो दें, उसी तरह मैं समझती हूँ कि आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों की तरबियत और सेहत की तरफ बहुत ही ज़्यादा ख्याल दें। देखिए, अगर हम इस माशरे को एक बैलेंस्ड नई नस्ल देना चाहते हैं तो आपको और हमको मिलकर काम करना होगा। देखिए, दुनिया में हर काम, ख़ास तौर से किसी माशरे को बेहतर बनाने के लिए, कोई एक फ़र्द वाहिद काम नहीं कर सकता जब तक कि हर शख्स उसके अंदर अपना हिस्सा ना बटाए। और मैं समझती हूँ कि वालिदैन का रोल किसी भी माशरे को बदलने में या बेहतर बनाने में सबसे ज़्यादा अहम होता है। आप लोग वालिदैन हैं, बच्चे आपके हैं, जाहिर है कि आपको सबसे ज़्यादा उनका ख्याल होना चाहिए। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि बच्चों के ऊपर पूरी तवज्जो दें ताकि उनकी तरबियत बेहतर तरीके पर हो सके। मेरा ताल्लुक भी आप लोगों की तरह एक मिडिल क्लास घराने से है, यानी मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ मैं। लेकिन फ़र्क आप में और मुझ में सिर्फ इतना है कि मेरा कुनबा छोटा है, एक बेटा और एक बेटी। देखिए, मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में नहीं हुई थी। मैंने जब अपनी तालीम मुकम्मल कर ली, अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल हो गई, उस वक्त मेरी शादी हुई। मैं और मेरे शौहर दोनों काम करते हैं और अल्लाह के फजल से अपने दोनों बच्चों के साथ नहायत आराम की खुशोखुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत दौलतमंद हूँ, लेकिन चूँकि हम दोनों साथ काम करते हैं, कुनबा हमारा छोटा है, इसलिए हमारी ज़िंदगी बड़े सुकून और आराम से गुजर रही है। बड़ा कुनबा होना कोई बुरी बात नहीं है, यानी अगर किसी के ज़्यादा बच्चे हैं तो वो शर्माता फिरे कि हाय हमारे इतने बच्चे क्यों हो गए। लेकिन मैं समझती हूँ कि आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कुनबे में इजाफा करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि हमारे वसाइल इतने हैं कि हम होने वाले बच्चे की सेहत, उसकी तालीम, उसकी तरबियत के ऊपर खर्च कर सकेंगे, उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी कर सकेंगे। ये सोचना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ इस चीज़ पर मेरे ख़्याल से कोई भी नहीं सोचता। दूसरी बात क्या है कि अगर बेटियाँ पहले हो गई तो बेटे की ख्वाहिश में ट्राई किए चले जाते हैं कि चलो शायद कभी ना कभी तो बेटा हो जाएगा। देखिए, बेटों और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं है, उनको बराबर की तालीम दीजिए, बराबर का खिलाइए, बराबर का पहनाइए, उनकी सेहत का ख्याल रखिए। और अपने बच्चों की सेहत का आप लोग उसी वक्त ख्याल रख सकते हैं जब तक आप लोगों की अपनी सेहत अच्छी ना हो। अगर माँ की सेहत अच्छी नहीं है तो ज़ाहिर है ना तो घर का ख्याल रख सकेगी, ना ही बच्चों का ख्याल रख कर सकती है। और अगर शौहर की सेहत भी ठीक नहीं है तो वो माशी किफालत कैसे करेगा? तो देखिए, सेहत का अच्छा होना नहायत ज़रूरी है, और जैसा कि मैंने कहा, ख़ास तौर से माँ के लिए।
अपनी सेहत का भी ख्याल रखे, बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो वैसे ही औरत बेचारी कमज़ोर हो जाती है, और नतीजतन ये कि घर वालों का भी वो इतना अच्छा ख्याल नहीं रख सकती जितना कि उसको रखना चाहिए। ये बात गौरतलब है कि आखिर माशी अबतरी की वजह क्या है। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगी कि इस मसले पर, इस नुक्ते पर ज़रूर गौर करें। देखिए, माशी अबतरी एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से हमारा पूरा माशरा ख़राब हो रहा है, और आप जैसे पढ़े लिखे बाहोश जी होश लोगों से मैं तवक्को करती हूँ कि इस मसले पर ज़रूर गौर कीजिए। इससे पहले कि मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँ, मैं आप से एक किताब का ज़िक्र करना चाहती हूँ। देखिए, ये एक बिल्कुल नई किताब है, इस्लामी मीरास में ख़ानदानी मंसूबा बंदी। ठीक है, ये किताब तो बहुत ज़खीम है, ये पूरी किताब मैं आपको इस वक्त पढ़ के नहीं सुना सकती, लेकिन इसमें से कुछ हिस्से जो रेलेवेंट हैं, जो आपके मतलब के हैं, जो मेरे मतलब के हैं, मैंने इसमें से निकाल ली हैं। उसकी मैंने फ़ोटो कॉपीज़ बनवा ली हैं, और इस मीटिंग के बाद आप सब लोगों में मैं तकसीम कर दूँगी। वो पढ़िएगा और उस पर वाकई गौर कीजिएगा, ये मेरी आपसे मुखलिसाना गुजारिश है। वो 10 बुनियादी हुकूक जो बच्चों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दिए हैं वो ये हैं: पाकीज़गी नस्ब का हक, जिंदा रहने का हक, अच्छी शोहरत और जायज़ नाम का हक, मकान, खर्चे और इमदाद का हक जिसमें तिब्बी निगहदाश्त और ग़िज़ा भी शामिल है, बच्चों के लिए अलग सोने के इंतज़ामात की ज़मानत, मुस्तकबिल की सलामती का हक, बेहतर नश्वोनुमा और मज़हबी तरबियत का हक, तालीम, खेलों और दिफा की तरबियत का हक, जिन्स और दूसरे अवामिल के फ़र्क के बावजूद मसावी सुलूक का हक, इस बात की ज़मानत का हक कि तमाम सरमाया जो बच्चों की इमदाद पर खर्च हो रहा है जायज़ वसाइल से आ रहा है। अगर मुझे मालूम होता कि आपकी ये हालत है तो मैं कभी आपको तकलीफ ना देती। प्लीज़ आप दोनों बैठिए। आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन वो बात ही कुछ ऐसी थी कि आपकी बेटियों के बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। जी। आपकी बच्चियाँ माशाल्लाह बहुत ज़हीन हैं, बहुत बाखलाक हैं, इसीलिए मुझे वो बहुत पसंद भी है। थैंक यू। लेकिन मुझे आप लोगों से कम से कम ये उम्मीद ज़रूर है कि आप उनकी तालीम का सिलसिला मुनक़िता नहीं होने देंगे। आप लोगों की शादी तो मेरे ख्याल से बहुत कम उम्र में हो गई थी, वरना माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी बच्चियां हो नहीं सकती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इन बच्चियों की शादी भी जल्दी कर देंगे? लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप इनकी शादियाँ करें। मैं समझा नहीं। देखिए, आपके माली वसाइल के बारे में मुझे कुछ कुछ अंदाज़ा है। जी। लेकिन देखिए ना, फौजिया बहुत ज़हीन बच्ची है, मुझे लगता है वो बहुत आगे जाएगी। उसका रिकॉर्ड मैंने देखा, शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड गर्ल, बहुत उसमें पोटेंशियल है। मैं चाहती हूँ कि वो कुछ बन जाए। गालिबन आपके लिए तो मुमकिन नहीं होगा उसको एक्स्ट्रा ट्यूशन वगैरह देना। मैं चाहती हूँ कि रोज़ाना शाम को आप उसको मेरे घर भेज दिया करें, वो मेरी बेटी के साथ बैठकर कुछ पढ़ लिया करेगी। मैं चाहती हूँ उसकी इंग्लिश पे ज़रा ग्रिप अच्छी हो जाए, आजकल इंग्लिश का ज़माना है, आपको मालूम है, थोड़ी सी इंग्लिश स्ट्रांग होती है तो ज़रा आसानी हो जाती है। मेरे ख्याल से आपको इस बात पर तो कोई एतराज़ नहीं होगा कि वो मेरे यहाँ आ जाए। नहीं नहीं, हमें क्या एतराज़। बस रियली आई एम वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि मुझे वो बच्ची वाकई बहुत पसंद है। थैंक यू वेरी मच। Just a few words.
वालेकुम सलाम बेटे। जी चलो बेटा वालेकुम सलाम। अच्छा पढ़ाई हो रही है? कह रही हूँ हेलो। जी हाँ बेगम साहब है। बेगम साहब आपका फोन है। क्या जाहिलों की तरह चिल्ला रहे हो? वही जाके मामा को बताओ कि उनका फोन है और जरा आहिस्ता बात किया करो। अरे ज़ैना, ओहो भाई बहुत ही लंबी उम्र है तुम्हारी। ऑनेस्टली मैं कल शाम से तुम्हें इतना याद कर रही थी, इतना याद कर रही थी। हाँ अभी तुम्हें फोन करने ही वाली थी। असम से है? अच्छा देखो ऐसा करो तुम प्लीज आ जाओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बातें तुमसे डिस्कस करनी है। हाँ भाई तुम ही से तो हम बातें डिस्कस करते हैं और क्या। तुम जैसे इंटेलिजेंट लोग हैं, डैशिंग किस्म की जर्नलिस्ट। खाना भाई खाना हमारे साथ खा लेना ना भाई। ऐसी भी क्या बात। नहीं नहीं खाना आप मेरे साथ खाइए, फौरन आ जाइए। आ मेरे ख्याल से तुम्हारे भाई भी आ गए। आइए कम से कम अपने भैया से तो मिल लीजिए, बहुत दिन से सूरत नहीं देखी आपकी मैंने। बस आ जाओ, बस फौरन आ जाओ। माशाल्लाह वेरी गुड। कैसा चल रहा है मामला? फाइन। कैसा लग रहा है? आर यू पिकिंग अप? जी मैडम बिल्कुल ठीक। ठीक है, मुश्किल तो नहीं लग रहा? समझ में आ रहा है? आई एम ग्लैड, आई एम वेरी ग्लैड। आयशा यू मस्ट रियली टेक केयर ऑफ दिस चाइल्ड, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माइन एंड आई वॉन्ट हर टू बी रियली वेरी वेरी गुड। ऑफ कोर्स मामा, योर चॉइस इज एक्सीलेंट। एनीवेज कैरी ऑन बेटा। ओके सो भाभी खाना बहुत अच्छा। अच्छा बहुत अच्छा खाना था, इतने दिनों बाद इतना अच्छा खाना खा के मजा आ गया। चलो तुम्हें पसंद आएगा यही बहुत है। अच्छा अब चाय से पहले ये बता दीजिए किस कदर इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर की थी आपने टेलीफोन? क्या मसला था भैया? सर ये क्या, ये क्या? रजा जाके बैठो, उधर से बात किए हुए तो मुझे। मैंने भी जैनी फूफा से बात कर ली। अच्छा फिर करो बात, बैठो जरा मैं बात कर लूं फिर तुम बात करना। चंदा मेरे लिए चाय बनाना चाहिए थी, आती टीवी पे चला गया। जैनिक पापा मैं भी आपको एक आर्टिकल दे रहा हूँ एंड इट इज अबाउट चीटिंग कल्चर इन एग्जाम्स एंड यू विल हैव टू पब्लिश इट। ओके पहले मैं पढ़ूंगी एंड देन ओके। अब मैं और भाभी बात करने ओके। जाओ मेरा बच्चा। जी भाभी अब आप बताइए। हाँ मैं तो मैं ये कह रही थी कि तुम्हें इस इशू को अखबार में उठाने में अपना पूरा प्रोफेशनलिज्म इस्तेमाल करना होगा। किस इशू? भाई देखो मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपना तमाम प्रोफेशनलिज्म इस्तेमाल करके इस मसले को असेंबली तक पहुँचाओ और उसको लॉ बनवाने में मेरी मदद करो, या कम से कम इतना कर दो कि लोगों की नजर के सामने ये चीज आ जाए। हाँ मगर भाभी वो इशू क्या है? क्या वो गवर्नमेंट के लिए काबिल अमल है? गवर्नमेंट की विद इन द रिसोर्सेज है नहीं है? पूरा प्लान देखना पड़ेगा। आपके पास है कोई ऐसा प्लान? हाँ बिल्कुल है, मैं तुम्हें भी बताती हूँ। ठीक है बताइए। भाई किस्सा ये है कि तुमने ये नोट किया है कि आजकल फकीरों की तादाद कितनी बढ़ती चली जा रही है? कब से सारी दुनिया नोट कर रही है ना। अब देखो ना किसी खाने पीने की दुकान के सामने रुक जाइए या ट्रैफिक लाइट पे रुक जाइए, भाई चारों तरफ से हमको फकीर घेर लेते। बिल्कुल तुमने बिल्कुल, नोट किया कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फकीर या फकीरनी के साथ छह छह सात सात बच्चे होते। मगर कल तो आपने हद ही कर दी, यानी आपके बेटे रजा ने उस भिखारन के साथ इस कदर बदतमीजी की और आपने उसे कुछ कहा तक नहीं है। देखिए मैंने रजा को जानबूझकर कुछ नहीं कहा, बल्कि मुझे तो खुशी हुई इस बात से कि मेरे बेटे को सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत नफ्स के बारे में एहसास है। वो जानता है इस चीज को और वो ये भी चाहता है कि और लोगों तक ये बात पहुंचे। ऑनेस्टली आई वॉज वेरी हैप्पी कि उसने ये बात कही और ये बात सोची इस तरह से।
भाई हर हर वक्त तो बच्चों को नहीं टोका जा सकता ना। अरे छोड़े, किस सेल्फ रेस्पेक्ट के पीछे पड़े हुए हैं आप लोग? आलम तो यह है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम हर आदमी किसी ना किसी तरीके से भीख मांग रहा है, और आप पड़ी हुए सेल्फ रेस्पेक्ट के पीछे। सब बेकार की बातें हैं। अच्छा भाई जैनब, तुमसे तो बाद में बात होगी, अपनी भाभी से डिस्कस करो तुम। अच्छा भैया, खुदा हाफिज़। भाभी वैसे भैया कह तो ठीक रहे हैं, आई एग्री विद हिम, मगर आप बताइए क्या सजेशन है। भाई देखो, हम हुकूमत को ये मशवरा दें कि वो एक टास्क फोर्स बनाए जो खास इसी मकसद के लिए मखसूस हो। अब तुम कहोगे ये टास्क फोर्स किस चीज के लिए मखसूस होगी? ठीक है, सवाल शुक्र है तुमने नहीं किया। बहरहाल तो इस टास्क फोर्स का काम ये होगा कि ये जो 10-10, 15-15 बरस के बच्चे खाने की दुकानों के सामने, सिग्नल्स के ऊपर और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर भीख मांगते हुए नजर आए, उनको जबरदस्ती पकड़ के और किसी बेगर होम में जाकर बंद कर दिया जाए। मुजरिमों की तरह? भाई भीख मांगना जुर्म नहीं है। तो हम तो ये चाहेंगे कि हुकूमत बच्चों के भीख मांगने को जुर्म करार दे दे। भाई आखिर बच्चों के लेबर पे भी तो चाइल्ड लेबर का कानून बना। एग्जैक्टली तो वही वाली चीज जो है हम यहाँ चाहते हैं। अच्छा, उस बेगर होम का नाम जो है वो पनाह भी हो सकता है या कोई और खूबसूरत सा नाम सोच लिया जाए, ये एहसास ना पैदा हो कि वो फकीरों के घर में रहते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सी बातें मैंने तुम्हारे लिए कुछ नोट्स बना के रखे थे। कल शाम से मैं इसी मसले पे सोच रही हूँ। कहाँ रखे थे? हाँ ये है, हाँ यही। ठीक है, तो देखो इसमें मैंने ये लिखा है, जरा गौर से सुनना। नंबर एक ये कि बच्चों के वालिदैन को उनसे मिलने की इजाजत होगी। अब वो बंद तो हो गए, ठीक है, है ना, माँ बंद है, लेकिन बच्चों से वालदेन को मिलने की इजाजत होगी, चाहे एक हफ्ते में एक दफा, दो दफा, या चलो वो रोज भी आना चाहे तो मिल सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा? उनका खाना पीना हुकूमत के जिम्मे होगा। भाई सादा खाना होगा लेकिन उन्हें पेट भर के मिलना चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब जनाब, हाँ, 15 बच्चों के एक ग्रुप पर एक सुपरवाइजर जो इन बच्चों की देखभाल करेगा, ठीक है। अच्छा, तालीम और वोकेशनल ट्रेनिंग का इंतजाम होगा, और जब काम वो सीख जाएंगे तो भाई जाहिर बात है उनके लिए अगर वो काम ले आएंगे तो वो मसरूफ भी रहेंगे, दो चार पैसे वो कमा भी लेंगे उससे, ठीक है। उनको ऐसी बातें बताई जाएं जो उनकी समझ में आए, और आहिस्ता आहिस्ता उनको माशरे का कारामद फर्द बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन क्या आप समझती हैं कि ये हुकूमत के लिए काबिल अमल है जो हुकूमत की रिसोर्सेज हैं, और क्या इस अमल से पुलिस की रिश्वत में इजाफा नहीं हो जाएगा? भाई मैं तुमसे बिल्कुल इत्तफाक नहीं करती। बेचारी पुलिस के बारे में हमने अपने जहनों में एक अजीब किस्म का खाका बना रखा है। भाई वो ऐसे बुरे भी तो नहीं होते लोग हैं। अच्छा वैसे एक पॉइंट ये भी था कि जो हमारे माशरे के मुतमविल अफराद, मुतमविल, अरे उर्दू सही कर लो अपनी, यानी ये कि बहुत अमीर लोग, खाते पीते लोग, मालदार लोग, अगर वो चार चार पांच पांच बच्चों का जिम्मा ले लें, या फिर यूं समझो कि हम बड़ी बड़ी कंपनियों को कांटेक्ट कर सकते हैं, बैंक्स को कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई वो इसमें कुछ मदद करें, एनजीओस को इन्वॉल्व कर सकते हैं, अरे हम चाहें और हुकूमत अगर चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। इस आइडिया में दम है, ये मसला गौरतलब है। अगर हुकूमत के लिए इसको इम्प्लीमेंट करना आपके प्लान को मुमकिन न भी हुआ, तब भी मैं समझती हूँ कि ये गौरतलब मसला है, ये हुकूमत तक ज़रूर पहुँचना चाहिए, और मैं पूरी फोर्स से इसको प्रेस में भी प्रोजेक्शन दूंगी और किसी ना किसी तरह कोशिश करूँगी कि ये असेंबली तक पहुँच जाए। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, रात देखता चला गया, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया,
चला गया, देखता चला गया। मत छोड़ दे खराती, खराती राव रे कुआ, इधर तो देख, ये तो ऐसे सोए हैं जैसे सारा दिन मजदूरी की है। हा हा हा, बड़ा पैसा कमा रहे हैं भाई। हा हा, आजा खराती अंदर आ जा। रा बात सुन, जा जाके रेड़ी को साइड में लगा जा। हाँ, ये बच्चा नहीं सोया क्या अब तक? फिर से खाए जाओ, बड़ी दिहाड़ी कमाइए, खाओ। ठिसता है, बड़ा ठिसता है, बहुत कमाता है। हाँ, और इसने कितने पैसे कमाए बता तू? बाबू खाता ज्यादा कमाता कम है। हाँ सुन रहा है, तो तेरा भाई क्या कह रहा है? हाँ? तो बताता नहीं, मेरे को जवाब तो दे। बाबू ये क्या बोलेगा, इसके तो ग्राहकों के सामने भी जबान नहीं खुलती। अब बात सुन, ये कान खोल के सुन ले मेरी बात। कल से अगर तू दूसरे भाइयों के जितने पैसे नहीं कमा के लाया ना, तो तेरा खाना पीना रात का इधर बंद। समझ गया मेरी बात? चले ठुस। ठेकेदार का फोन आ गया। सलाम अलैकुम ठेकेदार। हाँ जी, रिकी का वे ठेकेदार, 350 रुपए की आमदन हुई है। हाँ जी, ले बीट के पैसे अगर मैं दे दूंगा तो मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, और मेरा ये खा खा के हराम खोरी काट करके तो मेरी बात भी नहीं सुनता है। मेरा एक काम कर दे ठेकेदार, इसकी ड्यूटी डिफेंस की मस्जिद के बाहर लगा दे। हाँ मैं देख लूंगा कल। हाँ जी, हाँ ठीक है जी। ये पॉपुलेशन प्लानिंग ने अपनी पब्लिसिटी कैंपेन्स में जो कुछ पिछले 25 बरस में किया है, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट तो ये आया है। उसका फर्स्ट फेज हम कहेंगे कि अवेयरनेस तो क्रिएट हो गई है, और अब लोग गुस्सा नहीं करते इस बात पर, रिएक्ट नहीं करते कि उन्हें बच्चे पैदा करने से क्यों रोका जा रहा है, चूंकि वो समझ रहे हैं। इसका दूसरा फेज़ ये है कि सर्विसेज क्या हैं। सपोज़ मेरे घर में एक या आपके घर में एक मेड काम करती है, लेकिन वो नहीं चाहती उसकी अगली जनरेशन भी मेड्स का काम करे, तो उसके लिए पॉपुलेशन प्लानिंग ने विद द कोलैबोरेशन ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या सर्विसेज उसको प्रोवाइड की हैं? देखिए जी, हमारे यहाँ पे एक तो फैमिली प्लानिंग मिनिस्ट्री है, यानी पॉपुलेशन वेलफेयर जिसको हम कहते हैं, और फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन है, बहबूद एसोसिएशन है, इस तरह से गैर सरकारी इदारे हैं। फिर हमारे महकमा सेहत के तहत MCH सेंटर्स हैं, और कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ये फैमिली प्लानिंग का काम होता है, और फिर जो प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं डॉक्टर्स के, जहाँ लेडी डॉक्टर्स के अपने क्लिनिक्स जो होते हैं, अगर कोई औरत जाए तो वो लेडी डॉक्टर उसको हेल्प करती है फैमिली प्लानिंग के हवाले से। ज़ाहिर है कि जो गरीब औरत है उसकी ख्वाहिश, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, जो मेरे घर में या आपके घर में काम करेगी, बर्तन धोएगी या खाना पकाएगी, वो सारी उम्र मेहनत करेगी इस उम्मीद में कि उसकी औलाद उससे बेहतर हो। और अक्सर अब औरतें जो हैं उनको ये समझ में आ गया है कि अगर उनके 2-3 बच्चे होंगे तो वो उनको स्कूल भेज सकेंगी, उनको तालीम से आरास्ता कर सकेंगी, जिससे कि उनका रास्ता ज़िंदगी में बेहतर बनेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ। जी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर। ये हर औरत अब समझ गई है कि अगर उसकी बच्ची पढ़ी लिखी होगी तो वो अपना रास्ता बना लेगी। सो इसलिए बेटियों को तालीम देने के की खातिर औरतों में ये भी समझ आ गई है कि हमें बच्चों को इतने हमारे घर में ना आ जाएं कि हम फिर किसी को तालीम ना दे सकें। एक क्वेश्चन ये उठाया जाता है कि जो लोग मेहनत करते हैं, वो किसी भी लेबर क्लास से हैं, लेमैन हैं, वो कहते हैं कि जी सारी पाबंदियां हम पर लगाई जाती हैं अगर हमारे ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ काम नहीं करना पड़ता लेकिन उन्हें भीख लोग देते हैं। गवर्नमेंट का क्या इसके लिए कोई कानून है कि ये जो इतनी गदागिरी फैलती जा रही है, इट इज़ अ डेलिबरेट एक्ट ऑफ द बैगर्स, चूँकि उनको ये होता है कि जितने उनके ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी इनकम होगी। जी हाँ, ये बात दुरुस्त है। हमारे यहाँ एंटी बेगरी लॉज हैं जी,
जी हाँ, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स के इदारे भी हैं जो कि बेगर्स की रिहैबिलिटेशन के लिए उनको कुछ स्किल सिखाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपने इक्तसादी तौर पे अपने पैरों पे खड़ा हो सके। लेकिन मैं आपको बताऊं बीबी कि ये जो मांगने वाली आदत है ये एक आदत होती है और ये एक बड़ी बुरी आदत है, और इस आदत को कंट्रोल करने के लिए या लोगों को इस आदत से छुटकारा हासिल करने के लिए तो एक ही तरीका होता है कि इंसान का जो खुददारी का एहसास है उसको उजागर किया जाए, और मीडिया के ज़रिए से और सोशल वर्क के ज़रिए से ये बेगरी जो है ये इतनी बुरी चीज़ है कि सुनने में आता है कि कैंप्स होते हैं जहाँ पे बच्चों को म्यूटिलेट कर दिया जाता है ताकि फिर उनको बेगर बनाया जाए। तो इसके ख़िलाफ़ तो बहुत सख्त कवानीन हैं, और जहाँ कवानीन तो मौजूद हैं, अब ये है कि कानून को अमली जामा पहनाने के लिए आपको पता है कि शहरी जो है उसके तावुन की हमेशा ज़रूरत होती है। किसने दिया तेरे को ये दुपट्टा? रे दे दिया किसी दिल वाले ने। तेरे तो बड़े मिले दिल वाले, कब बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है, हमारी भी कोई इज्जत होवे। अरे जा ना, सड़क वालों की भी कोई इज्जत होवे है, अरे भीख मांगने वालों की तो अल्लाह भी इज्जत नहीं करे है। जा जा अपना काम कर। ए जेबू के अब्बा, हमारी छोरी बड़ी होती जा रही है, मेरे को बड़ी फिक्र है, अब इसका ब्याह होना चाहिए। जब्बू जवान हो गई है, अरे वो तो हाथों से निकली जावे है, पर उसका ब्याह किससे करें ये सोचने वाली बात है। ये तू मेरे को बता कि मैं ठीक कह रहा हूँ कि गलत। तू ठीक कहे जब्बू के अब्बा, मेरे को बड़ी फिक्र है, इसका ब्याह हो गया तो एक जने की आमदनी और कम हो जावेगी, रोटी पानी बहुत महंगा होता जावे। जब्बू की माँ, रे भगवान, मैं तो अपने अल्लाह से अब यही दुआ करता हूँ कि मेरे मौला ये हमारा दसवां जो बच्चा हो वो बेटा हो हमारे यहाँ, हाँ छोकरा हो। अगर एक औरत जो भीख नहीं मांगना चाहती, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है और कम बच्चे रखना चाहती है, तो पॉपुलेशन प्लानिंग उसकी क्या हेल्प कर सकता है? पॉपुलेशन प्लानिंग जी, मिनिस्ट्री हमारी जो है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक इंसेंटिव्स स्कीम जारी करें। उसके लिए मेरी तगोदो है कि हम एक फ़ंड बना लें। मैंने कोशिश की है मुख्तलिफ दुनिया की जो रईस अमीर रियासतें हैं उनके हाथ से कुछ रिसोर्सेज हासिल करने की, और अगर और कुछ हुकूमत पाकिस्तान भी रिसोर्स देगी, और अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो मैं समझती हूँ कि और साल के अंदर अंदर हम ये फ़ंड कायम कर लेंगे, जिसके बायस जो फैमिलीज एक बच्चे की यानी एक बच्चा हो और ख्वाहिश ना करें, तो उस बच्चे की तालीम की जिम्मेवारी हुकूमत पाकिस्तान कबूल कर ले, और अवाइल से लेके और यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल एजुकेशन तक गवर्नमेंट उस बच्चे का साथ निभाए, बच्चा या बच्ची। और जिस फैमिली के दो बच्चे हों तो उनको आधा दो बच्चों का की तालीम का खर्च जो है वो प्राइमरी से लेके और यूनिवर्सिटी और स्पेशल ट्रेनिंग तक वो आधा खर्च गवर्नमेंट ले ले। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा फ़ंड इतना बना लें कि फिर हम ये जैसे एक डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट होता है या ख़ास डिपॉज़िट होता है, वो ऐसी फैमिलीज़ के ऐसे बच्चों के नाम कर दें ताकि वो जब 10 साल के होते हैं और फिर उसके बाद वो 15 साल के होते हैं और 20 साल के होते हैं तो उनके वो उस फंड की मैच्योरिंग हो जाए। तो इस तरह से गवर्नमेंट सेविंग्स का तकाजा भी पूरा हो
और उन फैमिलीज को भी एक सहारा मिले जो कि अपने फैमिली साइज को मुख्तसर रखने के लिए तैयार है।